अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असम की नानू हूँ और मैं आज अपनी बेटी के घर आई हुई थी। तो आज हमारी थी मुल्तान में फ्रेंड यूनियन ग्रुप की ना हमारी मीटिंग थी मैच मेकर्स की। पाकिस्तान के तमाम शहरों से मैच मेकर्स आए हुए थे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मीटिंग में बहुत मज़ा आया। और हमारी मीटिंग जो होती है वो एक अगराजो मकासद के तौर पर होती है कि हमने जब रिश्ते करवाने हैं तो हम एक दूसरे के साथ अपने कुलीग के साथ चल के मिश्रा करके फिर हम एक दूसरे को अपने रिश्ते देते हैं। क्योंकि मैच मेकिंग का जो शोभा है ये बहुत बहुत ही खलूस और प्यार का रिश्ता है जो हम दोनों फैमिली आपस में करती हैं। तो इसी तरह ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और बहुत बड़ा फायदा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। मैच मेकर हजरात और मैच मेकरा जो हैं वो पहले ज़माने में होता था कि रिश्ते जो होते थे वो घरों में तय हो जाते थे, लेकिन अब दौर ऐसा आ गया कि लड़के लड़कियाँ कोई पढ़ लिख जाता है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो उनके डिमांड के मुताबिक वो काम नहीं होते, रिश्ते घरों में भी नहीं होते। अब कई जगह तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि फर्स्ट कजन के साथ शादी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से ये रिश्ते जो है मैच मेकर करवाते हैं। तो इसी तरह मेरा भी शोभा ये है। तो आज हमारी मीटिंग में बहुत अच्छा हमें रहा, हमें एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, बहुत मज़ा आया हमें। तो उन्होंने हमें गिफ्ट दिए बहुत, यानी कि हमें बहुत वहाँ से गिफ्ट मिले हैं। तो अच्छी मैच मेकर के मुताबिक उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए बहुत। तो आज मैं बच्चों में आई थी तो मैंने ये गिफ्ट इन्हें भी खाए। तो मैं चाहती हूँ कि हर बंदा देखे कि मैच मेकर जो है वो, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो होते तो आसमानों पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमारा खलूस प्यार जो होता है लड़के लड़की वालों के साथ होता है। हम चाहते हैं कि हर लड़की जो है वो अपने घर की हो जाए और अच्छे रिश्ते जो है उनको मिले। देखिए ये बहुत नाजुक मसला होता है, हम लोग मिलाने वाले होते हैं। आगे जो काम होता है वो फैमिलीज का होता है कि वो एक दूसरे के साथ मिले एक दूसरे का, और ये बहुत आसान काम हो गया। पहले ज़माने में तो वो हमारे वालदैन कहते कि जुतियाँ ही कस जानियाँ था, तो इस तरह के तरीके से भी जूतियाँ जो है ना वो भी टूट जाती थी रिश्ते ढूंढते ढूंढते। अब आसान काम हो गया है, हर जगह टेलीफोन पे मोबाइल से ही काम हो रहे हैं। तो हम लोग भी उनके साथ काम करते हैं। तो ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि भी हर बंदा जो है ना वो सुलझा हुआ पढ़ा लिखा है, तो अल्लाह ताला हर के नसीब अच्छे करे। तो ये हमें मुझे उन्होंने ये सनद दी है मैच मेकरा, यानी कि जो मैं हूँ उनकी फ्रेंड यूनियन की ख्वातीन की इंचार्ज हूँ। तो वो उन्होंने मुझे ये दिया सनद दी है और ये उन्होंने मुझे सीव दिया, ये सीट दी है और फिर उन्होंने मुझे ये मग भी दिया है। ये मग भी दिया नहीं। तो ये क्लॉक भी मिला उधर से, उन्होंने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। तो ये होता है सिला मेहनत का, जो मेहनत करेगा फल पाएगा। दिन रात की हमारी मेहनतें होती हैं, तो हम दिन रात आते हैं विजिट करते हैं, ऐसे नहीं कि भी हम ऐसे ठोक देते हैं, विजिट करते हैं हम, फिर उसके बाद लड़की वाले लड़के वालों को मिलाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने, और ये अम्मी ने मुझे दे दिया है। हाँ। इस कमरे के लिए ये जो न्यू कमरा बनाया है इसके लिए अम्मी ने हमें गिफ्ट कर दिया कि तुम अपने इस कमरे में घड़ी लगाओ। हाँ। और साथ उन्होंने हमें मक्का मुकरमा की वो खजूरें दी हैं और पानी दिया, आबे जमजम का पानी दिया है। और उसके बाद ये बच्चों ने मुझे तोहफा दिया है। हाँ। मेरी बेटी ने, तो ये मैंने अम्मी को दिया गिफ्ट। हाँ। जाहिर है अम्मी को इतने गिफ्ट हुए, फिर मैंने भी अम्मी को दिया खुशी खुशी से। तो
तो आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला हर एक बच्चों की नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन, और हमारे भी कारोबार में अल्लाह तरक्की दे, तो हमारे भी रोजी लगी हुई है, ये रोजी का काम है, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। खजूरे पानी में ले आऊं, आप दिखा दो खजूरे पानी, बस क्या दिया, चलो सही है, आप लोग ओके गाइस, आज अम्मी आई हुई थी तो मैंने कहा कि आपको भी इस खुशी में शरीक करूं। अम्मी आज माशाल्लाह बहुत खुश थी, क्योंकि हर मेहनत का जो सिला होता है इससे इंसान बहुत खुश होता है। इतनी मेहनत करती हैं, सारा सारा दिन स्ट्रगल करना, किसी से बात करना, कभी किसी से बात करना, तो आज अम्मी को माशाल्लाह इतना कुछ मिला है, यही खुशी होती है इंसान की। तो मैंने आज आपसे ये शेयर करना था। ओके, आज हसान को बुखार है, उसकी सेहत की दुआ कीजिएगा, गर्मी बहुत है, कल फिरता रहा, कल फ्राइडे था तो फिरता रहा बाहर गली में, तो अब उसको बुखार चढ़ा हुआ है, मैं अब जाके उसको भी देखती हूँ। तो इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। आज मेरी मामू की बेटी की बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे मरियम, तो हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, और चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स से हमें हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।